शेरा ये शेर ले लें, ये शेर लेते हैं फिर इसके बाद, क्योंकि हम हैं भी नू लीग के। हाँ, हमारा है भी शेर। शेरा गाड़ी धुलवा ली है जी, गाय दू गई। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान ऑन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, पेट फाट होंगे। फ़िलहाल मैं भी खैर खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसे कि आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं कि हम गाँव में आए हैं, तो इस वक्त मैं गाँव में मौजूद हूँ। रात को हमने यहीं पर स्टे किया था, गाँव में ये हमारे सर का घर है। तो इसका आपको मैं होम टूर करवा देता हूँ, और होम टूर करवाने से पहले आपको बता दूँ कि रात को तकरीबन हम 3 बजे सोए थे, तो 2 घंटे की नींद हमने पूरी की है। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद बिल्कुल नींद नहीं आई। तो ये सामने जो है ना गेट, वो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो बाकी उसके साथ ग्रासी ग्राउंड है, छोटा सा है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा है। ये गाड़ी इस पर कल हम आए थे, और गाड़ी खड़ी करने के लिए ये छोटा सा बरामदा सर ने बनवाया हुआ है। तकरीबन 5 कमरे हैं, उनके सामने ये बरामदा आप क्या कर सकते हैं, यह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बरामदा है ना। हम फिलहाल नाश्ता कर चुके हैं, अभी मैं सर का वेट कर रहा हूँ, वो भी नाश्ता कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में हमने निकलना है कॉलेज के लिए, अभी फिलहाल वो नाश्ता कर रहे हैं। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो यहाँ पर बैठ कर जो है ना प्रोफेसरों वाली फील आ रही है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं जो है ना प्रोफेसर लगा हुआ मजाक कर रहा हूँ। बाकी जो है ना सीन बहुत, आप देख सकते हैं धूप थोड़ी बहुत निकली हुई है, और ग्रीनरी आप सामने चेक करें। गाँव में तकरीबन ये वैद कॉलेज है, इस बाकी यहाँ से जो है ना तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है शहर में। पुराने दिन याद आ गए, मैट्रिक 9th 10th वाले, 2013-14 की बात है। तो इसी ग्राउंड में बैठ कर ना पेपर स्टार्ट होने से पहले जो हम थोड़ा सा बहुत रिवाइज करते हैं, इसी ग्राउंड में बैठ कर हम करते थे। तो ये 2013-14 की बात। मैट्रिक में जो हमारे पेपर की टाइमिंग होती थी वो तकरीबन 1 बजे होती थी, मतलब सेकंड टाइम पेपर स्टार्ट होने से पहले 1-1.5 घंटा हम पहले आ जाते थे यहाँ पर, हम जो है ना रिवीजन करते थे जिस सब्जेक्ट का पेपर होता था। मच लेटर, आज हमें मौका मिला क्योंकि सर जो है वो चले गए हैं, और हमारे पास आज गाड़ी आई है, तकी के हाथ गाड़ी लगी है, और ये मौका हम जाने नहीं देंगे। मामू से पूछ कर गए, नहीं मामू को ये मामू बना रहा है, मामू इसका निकल गया बाइक लेकर, और ये जो है ना गाड़ी की चाबी उठा कर अब जा रहे हैं। किसी न किसी तरह टाइम पास करेंगे कि आज का दिन टाइम, पहले हम वॉश करवाते हैं गाड़ी, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल जाएंगे, फिर हम कंप्लेन करेंगे कल का सारे दिन। ये लोटा है, लोटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लोटा हूँ। अभी जो है ना बालों में मालिश करवाई है, काफ़ी सर दर्द था, 1-2 दिन जो है ना बड़े मसरूफ़ गुजरे हैं, तो अभी कुछ सर का दर्द कम हुआ है। मैंने कहा व्लॉग भी बना लें और कार भी वॉश करवा लें, अभी देख सकते हैं आप। ठीक है जाने दे, आगे से जो है ना शीशा बिल्कुल ब्लर है, स्क्रीन जो फ्रंट स्क्रीन है कार की, वीडियो इतनी ख़ास अच्छी नहीं बन रही। यस लोटा साहब, लोटा साहब ये देखें, कल जो हमने पकड़ा लगाया ना फ्रूट्स का, आप चेक कर कितनी गंदी कार हुई हुई है अंदर से, बिरयानी के पैकेट जो जलसे से हमने लिए थे। यस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, शेरा गाड़ी धुलवा ली है जी, गाय धुल गई। अब आगे किधर जाना है? अब हमने अब हमारा गर्दी करनी है, फिर इसके बाद हम फिर क्या करेंगे बताओ आप खुद ही। शेरा आपको हमारा शहर जंग कैसा लगा? हमें तो बहुत प्यारा लगा, आपको कैसा लगा? अच्छा है, जंग तो ब्रांड है, जंग ब्रांड है, सबसे बड़ा शहर ना पाकिस्तान का वो जंग है। बुथाड़ा के रखे कहीं ठोक ही ना दे, इधर हम नहीं ठोकते, हम ना अभी पठान है, पठान कभी नहीं ठोकता, ठुकवाता है पठान, हमेशा ठुकवाता है, नहीं पठान दूसरों का ठोकता है लेकिन अपना नहीं ठुकवाता। हम पहले इनके आने के लगवाएगी गाड़ी की, इसके गाड़ी के या अपने एन के? नहीं गाड़ी के लगवाएंगे, गाड़ी की एन के, शेरा बोल रहा है गाड़ी की एन के लगवाने, देखते हैं कि कौन सी एन के होती है गाड़ी की। जिला जंग में वो केमिस्ट्री का पावा है, पावा जंग का पावा, किंग ऑफ केमिस्ट्री। तो चले आपको नाम है उनका, उनका एक नाम है प्रोफेसर जफर अब्बास डॉका, उनके साथ कभी जो है ना व्लॉग बनाएंगे, उनको व्लॉग में लेंगे, लेकिन इंटरव्यू लेंगे सॉरी कल जो है ना कल मेरी फुल ट्राई थी, लेकिन मैं बहुत नर्वस था कि कैसे उनको बोलूं कि आपका इंटरव्यू लेना। ये हम आपको दिखाते हैं डॉका राज अकेडमी,
थोड़े से शेरा स्लो करना। ओह माय गॉड, ये देख लें आप, ये दौकराद एकेडमी है, बिल्कुल फैसलाबाद, सॉरी दाऊद सकीना फाटक के साथ बिल्कुल उनकी एकेडमी है। आपको पता है केमिस्ट्री कितना खुश्क मजमून है, जितना भी टफ चैप्टर हो वो उसको जो है ना इतना आसान करके समझाते हैं को मेरे जैसा नलायक बंदा भी जो है ना पिक कर जाता है, और जो है उस 85 में से जो है ना इजीली उस बंदे के 50-60 नंबर आ जाते हैं जो उनके नोट्स हैं ना इतने आसान बनाकर उन्होंने, जो फेल होने के जिनका चांस जो उनके फेल मेरे जैसे या शेरे जैसे जो स्टूडेंट शेरा ये फूल है, शेरा कह रहा है ये फूल लगे हुए हैं, ये अभी नया नया लगा हुआ है। वो किधर गया है? 14 प्रो मैक्स यूआर वो लड़के का था, उसको मैंने वापस कर दिया था, मैंने कहा को अच्छे व्यूज आएंगे, कोई 100 मिलियन व्यूज आएगा उसकी वीडियो पे, लेकिन नहीं आया, मैं मायूस हो गया, मैंने कहा नहीं फिर मैं अपने ही मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, मैंने उसको वापस कर दिया, मैंने कहा भाई आपका शुक्रिया, ये अपना मोबाइल रखे मैं अपने ही मोबाइल से बनाऊंगा। तो ये लोग हमें देख रहे हैं कि ये क्या चगले मार रहे हैं, उनको क्या पता कि हम व्लॉग बना रहे हैं। अब यहाँ शेरा क्या करना है? अभी हम बाबा से कपड़े उठाएंगे। अच्छा बाबा टेलर से कपड़े उठाने हैं, चलो उठाओ दफा हो जाओ। अब हम जो है ना शेरा अपने कपड़े उठाने गया है बाबा टेलर से, तो हमने भी उठाने तो है लेकिन कल दिए थे, पता नहीं दर्जी वापस करता है कि नहीं। सीन तो जो है कि उन्होंने बोला है शाम को ना तैयार हो जाएंगे। अच्छा शाम को, क्योंकि मैंने कल उनको दिए थे और आज मिलने थे तो उन्होंने आपको बजा दिया है, दफा नहीं, बजा है नहीं है क्योंकि ना अभी इलेक्शन भी है और एक दिन में उन्होंने काम भी करवाया है। अच्छा बाकी जो दोस्त कजन है वो वापस गांव में चले गए हैं इलेक्शन की वजह से, बाकी ये शेरा और मैं यहाँ पर बोर हो रहे थे, मैंने कहा चलो गाड़ी धुलवा ले, चगले मार ले, फिर चगले मार ले टाइम पास हो जाएगा, गाड़ी धुलवा ले, तो हमने गाड़ी वगैरह धुलवा लिया। ये चौधरी वालों के पास हमने लस्सी पी थी शेरा याद है, वो लस्सी पी थी जब बिल बना था इसको ताप हो गया था, ये ले गया था शेरा सारी बातें ना एक्सपोज करो यार, ये ओन भाई हमें ले गया था इधर भाई, हम आपको चौधरी वाले से ले जाते हैं, लेकिन जब बिल बना था ना इसको ना उस टाइम बुखार हो गया था, 3 दिन इसको बुखार रहा है, झूठ बोल रहा है ये झूठ नहीं है शेरा, झूठ ये शेरा कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा शेरा ये होटल जिगर हमेशा बंद रहता है, क्या सील तो नहीं हो गया शेरा? नहीं वो क्योंकि आपने एक दफा आए थे ना इधर इस वजह से। अच्छा ये अब जंग में नई दुकान बनी है स्वीट क्रीम, तो इनका है मेंट लावा जो है ना, कभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भी चले जाते हैं अगर कहते हैं। अच्छा यहाँ पर शेरा हम भी यहाँ इस होटल पर भी आए हुए हैं शेरा याद है? हाँ 12 पे जो आए थे, हाँ 12 पर आए थे याद है, बड़ा अच्छा याद है, खाया था लेकिन मजा नहीं आया, नहीं मजा आया था मुझे तो नहीं, जंग में ना 12 में ज्यादा पैसा मजा आता है क्योंकि इनका पिज्जा बड़ा हाई लेवल का होता है, 2000 रुपए होता है एक्स्ट्रा लार्ज। शेरा आगे गटर भी है लार्ज तो 3। अच्छा ये आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर भी आए थे माशाल्लाह बहुत अच्छा होटल है, फिर हम आपको लेडीज आ गई, हम इधर कैमरा घुमाते हैं, लेडीज को कैमरे में नहीं ले आना भाई, शेरा ले आना है हर दफा, तो हम गैरतमंद, हम गैरतमंद पठान है, हम औरत को नहीं ले आता वीडियो में, गैरतमंद है तुम लोग ये बेगैरत सारा दिन ये बातें करता रहता है लड़कियों के, फिर आप जिनके गैरत जागती है इनको पता होता नहीं है। स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं गाड़ियों के, और यहाँ से गाड़ी की एनके लेनी है, वो पता नहीं मैंने पहली बार सुना है कि गाड़ी की भी एनके होती है, गाड़ी भी एनक पहनती है, मैंने तो नहीं देखा पहले गाड़ी को एनके, गाड़ी को एनके ना पहनाएं तो फिर उनको नाराज हो जाती है गाड़ी, पता नहीं कौन सी एनके की बात कर रहे, गाड़ी की एनके लेनी है, मैंने हैरान हो गया हूँ गाड़ी की भी एनक होती है, चलो देखते हैं कौन सी एनक गाड़ी की है यहाँ पे। शेरा क्या मसला है, आपने तो ट्रैफिक जैम कर दी, पीछे गाड़ी गारन दे रहा है यार, मैं क्या करूं, थोड़ा सा आगे निकाल लो ना वो आगे थोड़ा सा, ये जो इधर मशहूर चिकन बिरयानी गाजी चिकन बिरयानी वाला रेडी खड़ी है इधर, आप फिर हम कहाँ जाएंगे इधर, और कोई दुकान है भी नहीं है। हाँ शेरा फिर क्या करें, पीछे से वो पी पी कर रहे हैं, फिर हम एक झूठा लेके आ जाते हैं कहाँ पर, शेरा ठोक भी ना देना इलेक्शन है वोट भी देना है, मैंने तो पहली दफा वोट दे रहा हूँ, पहले मैंने जब से मेरा आईडी कार्ड बना मैंने एक दफा भी वोट नहीं दिया, क्योंकि इसका जो मामू है प्रोफेसर जफर अब्बास दाऊ का वो मुझे साथ लेकर चले गए हैं, दो दफा जो है ना इलेक्शन मेरा खराब हो गया, उनके साथ मैं रहा हूँ, वो मेरे सर भी हैं कजन भी हैं, तो मैं उनके साथ एज ए सिक्योरिटी गार्ड जाता हूँ शेरा
जंग का सबसे खूबसूरत और पुरसकून रोड मुझे पता है कौन सा रोड लगता है? बस यही लगता है, ये वाला जहाज के साथ जो ये रोड है, इधर कुछ खोता रहता है ना, है शेरे को पता है, शेरे बड़ा बेहतरीन बंदा है। पूरे जंग का सबसे बड़ा ठरकी ये जो बैठा है ना साथ वाले मेरा, ये ठरकी है पूरे जंग का बड़ा। ये बड़ा खूबसूरत रोड है माशाल्लाह, यहाँ पर इतना रश नहीं होता, साथ बिल्कुल खूबसूरत पार्क है एमजन मजीद पार्क। ओहो शेरा, यहाँ पर आप कभी आए हैं डेट मारने? ये बड़ा ना ले आना, ले आना क्यों? ये भी फूल है, ये फूल है और सामने कप है। इसकी ये फायदा होगा जो लोग है ना मुसाफिर, जो इसमें सो जाएंगे इसलिए। ये जो पीछे पड़ी है यही है, नहीं बताना, नहीं अभी नहीं बताना इनको, इनको नहीं पता चलना चाहिए कि ये कौन सी गाड़ी की है इनके लिए। पता नहीं मेरी पश्तो आपको कैसे समझ आ रही है। फैसल ऑटोज, यहाँ से वो एन के सर्च करते हैं, फिर ये गाड़ी पे हमने लगवानी है। आज सारा जो व्लॉग है ना गाड़ी के काम पर होगा, तो शेरा हमारा जो है ना पता करने गया है यहाँ से। आज मुझसे कैमरा सही था एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मेरा मुंह किधर होता है और कैमरा किधर होता है, तो वो भी जो है ना बड़ी मज़ा नहीं आ रहा व्लॉग का। शेरा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? उन्होंने बोला है गाड़ी आग ले आए, हम फिर बोला फिर ले आते हैं, फिर उसके बाद हम मटर गश्ती करेंगे। हम उन्हें देख लिया ना ये व्लॉग, उसने तुम्हारा मटर भी सुझा देना और गश्ती भी सुझा देना। शेरा ये शेर ले लें, हमारा है भी शेर, ऊपर लगा रहे हैं अभी जाना मैन के लगवा रहे हैं। ये वाली आना को होती है गाड़ी की, ठीक है मुझे आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। ये है गाड़ी की आन के, इसको वैसे क्या बोलते हैं भाई? एयर प्रेस। अच्छा एयर प्रेस, हेयर प्रेस, हम तो इसको एन के बोल रहे थे। तो व्लॉग में आप देख रहे होंगे शेरा और मेरा जो हुलिया है ना, इसका नाम तकी है, वैसे मैंने प्यार से इसका शेरा रख दिया, तो हमारा रफ हुलिया है। हम फेस वॉश भी किया, सुबह निकले थे गाड़ी वॉश करवाई थी, और उसके बाद जो है ना ये गाड़ी की जो वो तो कोई और नाम ले रहा था, तुम तो एन के कह रहे थे उसका। एन के होती है। वो कोई एयर प्रेस के उस कोई बहरहाल उसने नाम लिया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो वो हमने लगवाई है। अभी काम हो गया है मुकम्मल, अभी हम जा रहे हैं वापस। ये आप देख सकते हैं, बिरयानी खा लेते हैं गाजी वालों से। बिरयानी? हाँ बिरयानी। मेरा तो यार मूड नहीं है बिरयानी खाने। नहीं यार मेरा भी नहीं है, लेकिन चलो एज ए टेस्ट खा लेते, एक प्लेट काफी है। रस चेक करें, रस चेक करें यार, क्यों हमने पैसे नहीं देने, रश इतना होता है ना इस चिकन बिरयानी। चलो यार एक खानी है हमने, डेढ़ डेढ़ सौ की करवा ले। की होया भाई, खैर तो है। बिरयानी वाले के पास रश भी काफी होता है और इसके पास पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी दुश्वारी होती है जो है ना यहाँ से बिरयानी खाते वक्त या लेते वक्त। तो ये उन्होंने कहा कि इस साइड पर आप खड़ी कर दें, इतना रश होता है ना पूरे जंग में, शायद यही मशहूर है जी। अच्छा सही नहीं खड़ोती प्रोग्राम हमारा कैंसिल, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जो है ना बहुत ज्यादा है, तो पार्किंग में मसला हो रहा है। तो हमने कहा इससे बेहतर है कि हम चले जाएं, गाड़ी कहीं से लग ना जाए। चलो हमने कहा कि यहाँ से निकलते हैं, इससे बेहतर है कि हम ना ही खाएं, फिर कभी टेस्ट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वापस घर, काम हमारा हो गया है डन, और घर में जाकर जो है ना रिफ्रेश होते हैं, और इसके बाद वापस उसके बाद हम बाइक पर निकलेंगे। हमने दो तरह और काम करने, क्योंकि गाड़ी वहां पर जा नहीं सकती, रश बहुत ज्यादा है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते कहीं जो है ना गाड़ी लग ना जाए। तो आप देख सकते, जा भी नहीं सकते ना, मसला ये जान की आवाम बहुत मासूम है, तो उन्होंने जो है ना पीछे से किसी ना किसी तरह क्रैश कर देना, फिर कहना सॉरी भाई सॉरी भाई सॉरी भाई। तो शेरा और मैंने प्रोग्राम ये बनाया कि हम गाड़ी पार्क करते हैं, फिर जाकर बाइक उठाते हैं, फिर बाइक पर हम जो है ना वो छोटे मोटे जो काम हमारे रहते हैं वो करेंगे। इसके बाद कपड़े उठाने हैं, शेरा ने भी उठाने हैं और मैंने भी उठाने हैं। दुआ करें कि दर्जी जो है ना वो कपड़े हमारे आज दे दे, तो शेरे के तो जो है ना शाम को मिल जाएंगे, तकी के मैं कल दे आया था, शायद वो मुझे कल मिले। कैसे ठीक है? शेरे का जो है ना यहाँ पर बड़ा अच्छा खासा नाम है इसके, जो है ना बड़े जो है ना यहाँ पर बड़े रबते शापते हैं लोगों के साथ, ये काम निकलवा लेता है, बंदा बड़ा ग्रेट है। इंदा जो है ना मैंने अपनी अपनी कौम में नहीं देखा, बहुत बड़ा जो है ना बड़े दिल का बंदा है, कुछ आमद नहीं कर रहा, ऑनेस्टी स्पीकिंग बहुत अच्छा है, दिल का मालिक है ये इंसान। तो अभी हम हैं फैसलाबाद रोड पे, तो काफ़ी यार पता नहीं आज मैं हैरान हूँ,
इससे पहले मैंने इतनी ट्रैफिक नहीं देखी, रश इतना नहीं देखा शहर में जितना आज रश है।